दर्द के बारे में लोग जो है बोलते हैं और बहुत परेशान हैं। बहुत सारी ईमेल्स आ रहे हैं कि हमको क्रॉनिक दर्द है, डॉक्टर बता नहीं पा रहे। डॉक्टर बोलते हैं जब टेस्ट करते हैं इस पर कुछ नहीं निकलता, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ रही है, पर हमें इतनी परेशानी हो रही है, कहीं भी दर्द, और बहुत पुराना दर्द है। कोई बोलने की 36 साल से दर्द है, कोई बोलने की 18 साल से दर्द है, कोई बोलने बच्चा जब से हुआ है तब से वो पहले इशारा किया करता और अब बोलता मम्मा यहाँ पर दर्द है, मम्मा यहाँ पर दर्द है, कभी यहाँ दर्द है। समझ में नहीं आया, डॉक्टर को दिखाते हैं, पेन किलर बता देते हैं कि पेन किलर ले लो भैया, और हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो भी क्या करें, क्योंकि उसमें कुछ निकल नहीं रहा, टेस्ट सब टेस्ट करवा लिए, कुछ नहीं निकल रहा, क्या करें। क्या होता है कई बार जो है पास्ट कर्मा से भी जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पिछले जन्म से भी जुड़ी होती हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, जो भी है दर्द को निकालने का भी मुद्दा है। तो उसके लिए आप जो है स्पाइनल चोकरों से जो है और क्लींजिंग करके, स्पाइनल चोकरों से मैंने बहुत बार बताया था आपको, दर्द करने के बहुत सारे सिम्बल्स हैं, इतने इफेक्टिव हैं, ग्रैंड मास्टर में तो भरे पड़े हैं और लोगों ने आजमाया है। और बार बार वो ईमेल से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो फ़ोन करके बोलते हैं सीधा कि मैडम थैंक यू सो मच, आधी रात को दर्द उठा, हमने सिर्फ एक ही वो डाला और तुरंत चला गया पता है, और फील हुआ उनको। खैर वो ग्रैंड मास्टर वाली बात है, और लेकिन हमने बार बार हर स्टेप पर, मैंने इसी में भी यूट्यूब में भी बताया है, दर्द के बहुत सारे बताए हैं, शामिल बताया है। शामिल में तो लोग बोल रहे हैं कि अभी हमको दो ये करो वो करो, खैर जो भी है मैंने शामिल के बारे में बताया हुआ है। शामिल के बारे में मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ, फिर भी लोग बार बार पूछते हैं कि नहीं हमको बताओ सिंबल कैसे डालते हैं, तो मैंने सिंबल भी बताया हुआ है, बनाने का भी सिस्टम बताया हुआ है, और वैसे भी वो बताया हुआ है फ़ोटो लेकर के भी कैसे करो। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए, ताकि बार बार एक ही चीज़ को अगर हम रिपीट करेंगे तो जो ज़रूरतमंद है वो रह जाएंगे फिर, क्योंकि हम तो लिमिटेड वही बनाएंगे ना, रोज़ का एक ही वीडियो बनाएंगे, एक ही डालेंगे, तो जो जिनको बहुत ज़रूरत है फिर वो छूट जाते हैं। मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से देखिए वीडियोस को, एक ही चीज़ समझ में आएगी आपको। अगर अपनी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फ़ोन करने के बजाय आप जो है उसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, उसमें डालें आप। हम पूरा रोज़ का रोज़ देखते हैं, जो हम देखते हैं कि नहीं ये रिपीटेड है, उसको निकालने के बाद जो हमको तो नहीं ये आदमी बहुत परेशानी में है, तो तुरंत वीडियो बनाते हैं, तुरंत यूट्यूब में डालते हैं, ताकि वही चीज़ और लोगों को जो परेशान कर रही है, वही बीमारी जो है वो सब ठीक हो जाए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हम यूज़ करें ताकि सब लोग ठीक हो जाएँ, पर प्लीज़ ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें। हाँ, तो अब बात चल रही थी क्रॉनिक पेन्स की। तो क्रॉनिक पेन जिसको भी है, कहीं भी पेन है, बार बार दर्द उठता है, किसी भी हिस्से में दर्द है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे सिम्बल्स हैं। आप कैसे किसी भी, आपने फर्स्ट लेवल से तो आप सिर्फ हाथ रख के कर सकते हैं, सेकेंड लेवल में भी दूसरों को भी, उसमें ज़्यादा सिम्बल नहीं है। फोर्थ लेवल मास्टर लेवल में बहुत है, ग्रैंड मास्टर में तो मैंने भर के दिए हैं उनको। मेरी बुक आगे जिसने ली है वो इतने खुश हैं उनसे कि दर्द के इतने सिंबल हैं, एक साथ 2 3 4 डालो ना आप, क्योंकि कोई भी सिंबल बेकार नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं करता। तो जहाँ दर्द होता है, जहाँ एक्यूट दर्द है, किसी को भी दर्द है, फटाफट डाल दो उसको उसके ऊपर, फिर देखोगे आप। लेकिन उसके बाद स्थिर कर दो, स्टेबलाइज कर दो, ताकि वो दर्द जो निकल गया वो वापस ना आए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये टिप दे रही हूँ मैं आपको। कोई भी हीलिंग, कोई भी हीलर है उसके लिए भी दे रही हूँ, तो जो लेडीज़ है जो घर में करती है हीलिंग, तो उनको लिए भी दे रही हूँ, बच्चों को जो देती है, बड़ों को, किसी को भी, फैमिली मेम्बर्स को देती है। जो भी ट्रीटमेंट आप रेकी से करती हैं, उसके बाद चोकोरे डाल करके, और ये आज्ञा चक्र पर, और फिर ये हार्ट चक्र पर, और जो है सबसे नीचे जो है मूलाधार चक्र पर, इसको स्थिर कर दो। या मेनली ये होता है, ये हमारे सिर पर रखो बीच में, और ये सोलर प्लेक्सस पर रखो, और मूलाधार पर रख करके बोलो स्थिर स्थिर स्थिर, या स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। जो ठीक हो गया तो वो ठीक ही रहे, वापस नहीं आए वो दर्द, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं पेन की। तो उसके लिए जो रेकी से ठीक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं सीखी है या रेकी पर परेशानी हो रही है सीखने में, समझने में, तो एक नंबर दे रही हूँ, हमेशा लिख के रखो आप। ये सब नंबर ज़रूरी है, घर पे लिख के रखो, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादातर दर्द जो है शाम से शुरू होते हैं, रात को बढ़ते हैं। 99% दर्द ऐसे ही होते हैं, शाम से बढ़ते हुए रात को बढ़ते हैं, जो कुछ नहीं समझ में आता। डॉक्टर नहीं मिलते, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते, या देर से मिलते हैं, जब तक पहुँचोगे तब तक मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा है कि घर में रखो। इसके यूजेज आपको बताती हूँ मैं। पहले नंबर लिखिए, ये है 2 3 1 4 4 3। कॉमा का मतलब है स्पेस, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, फिर लोग बार बार पूछेंगे कि कॉमा क्यों डाला, तो स्पेस का क्या मतलब है। तो आप इसको ऐसे ही लिखिए, सबसे आसान तरीका बताती हूँ कि इसको ऐसे ही लिखिए 2 3 3 1 4 4 3। हिंदी में बोलती हूँ 2 3 3 1 4 4 3। ये हो गया क्रॉनिक पेन के लिए, जो पुराना हो या नया दर्द हो, दर्द होता है, हर दर्द में इसको डालो। मैंने यूट्यूब में अपनी वीडियोज़ में दर्द के बहुत सारे नंबर बताए हैं, डिफरेंट आर्थराइटिस है जिसको कहीं भी दर्द है, हेडेक है, कुछ भी है, तो सब में डालो इसको। मतलब पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो, क्रॉनिक हो, बार बार आ रहा है, उसमें ये सिंबल बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, लोग पूछते हैं कि हम 4-5 बीमारियाँ, हमको डायबिटीज़ है तो आंखों का दर्द है, आंखों में बहुत दर्द होता है, और आर्थराइटिस है, रूमेटाइटिस वगैरह है, और जो माइग्रेन है, तो या कुछ भी जो है पूरे शरीर में कहीं पर भी टॉन्सिलाइटिस है। तो 4-5-6 बीमारियाँ एक साथ हैं जो बहुत एक्यूट है, तो उसमें 4-5 नंबर कैसे एक साथ करें, मैं बता रही हूँ आपको। 4 कार्ड, अगर कार्ड के फॉर्म में आपने रखे हैं तो 4 कार्ड एक के ऊपर एक 4 रखिए, नंबर ऊपर की तरफ हो, एक कार्ड रखा फिर कार्ड रखा, ऐसे 4। नहीं तो अगर मैंने नंबर दिए हैं उसमें तो आप ऐसे लिखो, इसको ध्यान से देखिए। अभी हमने यही नंबर लिखा है, कितनी बार लिखा है? 4 बार ऐसे लिखा है, एक बार ऐसे लिखा है, एक बार ऐसे लिखा है, या कितनी बार हो गए। इसी को आप अलग अलग नंबर जो है उसमें आप लिख सकते हैं, बहुत बारीक बारीक नंबर लिख करके एक छोटे से पेपर के ऊपर, जो कटोरी या ग्लास के नीचे आ जाए, जिसमें पानी रखोगे उस बर्तन के नीचे आ जाए, ये मेन है, उस पर रखो है, ताकि एक साथ ये 6 नंबर हमने लिखे हैं, तो 6 नंबर की बीमारी जो है एक साथ आपकी निकल जाए। मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ भी दर्द हो, एक बार बताती हूँ मैं आपको, जहाँ पर भी दर्द हो, कुछ भी हो, तो आप पैर के ऊपर, बाएं पैर के ऊपर स्किन से स्किन मिली हो, तब कपड़े के ऊपर नहीं लिखना है इसको। जैसे हाथ है, मान लो ये मेरा बायां पैर है, तो इसके ऊपर ये लिखो 2 3 3 1 4 4 3। ये ऐसे लिखो, हाथ पर लिखो, पैर पर लिखो, उंगली से लिखो ना, और पेन से लिखना है तो पैर पर लिखो। पैर के ऊपर अगर 6 बीमारी हैं आपको, 1 नंबर लिखो, 2 नंबर लिखो, 3 नंबर लिखो, 4 5 6 नंबर लिखो, ऐसे लिखो, सीधा लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन लिखो। उसको लिख कर भी इसको ट्रीटमेंट वो करेगा पूरा, उसके नंबर की वाइब्रेशन तुरंत बॉडी के अंदर आएंगी आपकी, और पूरा ठीक करना शुरू कर देंगी। उसके अलावा जो आप कागज़ पे लिखोगे, उस पर खाने की चीज़, पीने की चीज़, पानी जो भी लिखोगे, बार बार पियोगे, तो वो अलग से काम करेगी, तो उसे बहुत जल्दी इफेक्ट होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। ये जो दर्द, कैसा भी दर्द हो, बहुत बुरा होता है और लोग तड़प जाते हैं, लेकिन ये नंबर बहुत इफेक्टिव है, आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए बस।